MSCET के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कौन सी बुक प्रेफर करें, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक बुरी है, बहुत से क्वेश्चन। वेलकम टू माई चैनल और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2024 में अपना MSCET का अटेम्प्ट देने जाने वाले हैं, यानी कि वो MSCET में अपेयर होने वाले हैं, उसकी वजह से उनका लाइक आगे का फ्यूचर डिसाइड होगा। सो MSCET के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कौन सी बुक प्रेफर करें, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक बुरी है, बहुत से क्वेश्चन। सो मैंने जो बुक प्रेफर की थी और मेजॉरिटी ऑफ टॉपर्स जो भी बुक बताते हैं, आज वो बुक्स मेरे पास है। सो मैं आज आपको वो बुक्स के बारे में बताऊंगी। तो वो जो बुक्स है वो है लाइक बुक्स, पहले तो प्रेफर करो अपने टेक्स्ट बुक्स, अपने टेक्स्ट बुक में, आपके जो टेक्स्ट बुक में क्या कहते हैं उसको, जो भी टेक्स्ट बुक में कंसेप्ट है, जो भी पिंक डब्बे, हरे डब्बे, नीले डब्बे, जो भी डब्बे हैं उनको अच्छे से याद करो। अगर तुमको मतलब जो भी डिफ़िकल्ट वाले 5-6 क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो अटेम्प्ट करने हैं तो, एंड फिर उसके बाद में अपने टेक्स्ट बुक को थरोली रीड करो, अच्छे से रीड करो, सो दैट आपको कोई भी क्वेश्चन उसमें से पूछा जाए तो फिर आपको वो आना चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स इट, टेक्स्ट बुक तो पहले प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी। कोई भी बुक प्रेफर करने के पहले रिमेंबर दैट कि आपको टेक्स्ट बुक जो है वो कंपलसरी रीड करनी है। मैंने पहले प्रीवियस ईयर्स में वीडियोज़ में भी कहा था कि आपको टेक्स्ट बुक प्रेफर करनी है, आपको टेक्स्ट बुक थरोली रीड करनी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितना टाइम आपसे रिवाइज हो सकता है, जितने टाइम उसको रिवाइज कर सकते हो, जितने टाइम आप रिएक्शंस कर सकते हो उतना टाइम करो, बिकॉज आपके पास पूरा एक साल है। एंड लाइक एक साल में बहुत कुछ हो सकता है, लाइक 6 महीने में अगर कोई प्रिपेयर कर सकता है तो एक साल में भी बहुत ज़्यादा बहुत लोग प्रिपेयर करते हैं। तो आप 6 महीने में, आपके पास तो एक साल है, आप 6 महीने में कर सकते हो तो एक साल में तो ऑब्वियसली कर सकते हो। तो एक साल है आपके पास, बस आपको उस एक साल में आपको बस अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ना है, बार बार चीज़ें रिवाइज करनी है। एज आई टोल्ड इन माई वीडियो जिसमें कि मैंने कहा था कि हाँ मुझसे क्या मिस्टेक हुई, सो उन मिस्टेक्स से मैंने ये सीखा कि रिवाइज करना इज़ मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वी आर ह्यूमन्स, हमको सब कुछ याद नहीं रहता है, हम लोग सब कुछ याद नहीं कर सकते, सबको रिवाइज़ करना पड़ता है, हर चीज़ हम लोग भूलते जाते हैं अगर उसको याद ही नहीं करा हमने बार बार, तो रिवाइज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद में फिर सेकेंड चीज़ आती है कि अगर हम लोग अच्छे से रीड कर रहे हैं टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हैं, हमारे को कॉन्सेप्ट पता है, बट हम क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर लें, क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे हमको। सो क्वेश्चंस के लिए हमारे पास होती है टारगेट पब्लिकेशन की बुक, जो है लाइक MSCET के लिए स्पेशली होती है। बहुत सारे जनों को पता होगा, बहुत सारे को नहीं पता होगा, तो जिनको नहीं पता है वो इन बुक्स को देख लो। सो ये जो है ये फिज़िक्स की है, जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था इन बुक्स के बारे में, बट फिर भी अभी ये है फिज़िक्स की बुक। आप इसमें से इस साल का एडिशन आप ले सकते हो, लाइक इट इज़ प्रीवियस ईयर की बुक, तो प्रीवियस ईयर का ये भी चलता है, इसमें भी सेम क्वेश्चंस है, कुछ रिडक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस साल अगर कोई फिर से पब्लिश किया होगा उनने न्यू इसका ही वर्जन, तो आप वो परचेस कर सकते हो। ये है फिज़िक्स के लिए, जो कि बहुत अच्छी बुक्स है ये टारगेट की, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अलग अलग, लाइक ये है मैथ्स की, अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इनमें, एक पूरे साल भर बैठ के तुम प्रिपेयर कर सकते हो। ये है केमिस्ट्री के, सो इनमें तुम लोग साल भर बैठ के प्रिपेयर कर सकते हो, इतना इसमें क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस अलग अलग एग्ज़ाम से उठाए हुए हैं, लाइक ओडिशा की कोई CET एग्ज़ाम हुई, जम्मू कश्मीर में हुई, गुजरात में हुई, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, JEE मेंस, जो भी क्वेश्चंस हैं JEE मेंस में आए हैं या फिर JEE एडवांस में, तो सब क्वेश्चंस इनमें होते हैं ताकि आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर तुम इस बुक को प्रिपेयर करोगे तो जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं MSCET में, जो JEE मेंस लेवल के होते हैं, वो तुमको सॉल्व करते आएंगे। तो बहुत सारे फ़ायदे इस बुक के, एंड अगर स्टार्टिंग में ही परचेस कर लोगे, अगर कोई 11 का भी बच्चा देख रहा होगा जिसने अभी रिसेंटली 10th पास किया एंड एडमिशन लिया है 11th स्टैंडर्ड में, सो वो अगर 11th में है तो वो भी इस बुक को परचेस कर सकता है, वो भी अपना 11th का पोर्शन इसी में से अभी ख़त्म कर देगा, ताकि उसको लास्ट में बस उसको रिविजन करना पड़े, और 12th में कोई होगा तो वो फटाफट से अपना 11th का पोर्शन ख़त्म कर सकते हैं इसमें से,
एंड ट्वेल्थ लाइक ट्वेल्थ का ख़त्म कर सकता है और इलेवेंथ का इसमें से रिवाइज कर सकता है. तो बहुत बेनिफिशियल बुक्स है, लाइक एवरी वन रिकमेंड्स, बट एंड ऑल्सो आई विल रिकमेंड यू दिस बुक बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल बुक है. कभी कभी जब आप मॉक टेस्ट देते हो यू विल रियलाइज कि इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए. स्पेशली अभी मेरे पास मैथ्स की है, बायोलॉजी की नहीं है क्योंकि मेरा बायो नहीं था. सो बायो में क्या, बायो में मेरे बहुत सारे जो क्वेश्चन मेरे दोस्त थे लाइक मेरी फ्रेंड्स थी, तो वो खुद से कहती थी कि लाइक हमने जो भी क्वेश्चन अभी मॉक टेस्ट में देखे ना, द सेम क्वेश्चन हमने टारगेट की बुक में देखे. इन शॉर्ट कि बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो इस बुक में से आते हैं, बहुत से. लाइक जब इसको प्रैक्टिस करोगे बार बार यू विल रियलाइज दिस कि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे, कोई भी मॉक टेस्ट ले लो, किसी का भी मॉक टेस्ट ले लो, वो इस बुक में से है, लाइक टारगेट की बुक में से. सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. जल्दी जल्दी 500 सब्सक्राइबर कर दो. नमस्ते, बाय बाय, राधे राधे.